हेलो बच्चों, क्लास 11th में फिजिकल एजुकेशन का आपका फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू है, नैतिकता के मूल कर्तव्य, जिसमें आपने तीन या चार सेगमेंट पढ़ लिए थे। अब आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि आपको तीन चैप्टर तैयार करने हैं। तीन चैप्टर आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे, हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। वो तीन चैप्टर हैं ये, नैतिकता के मूल तत्व, परिवार तथा समाज और नैतिकता का अर्थ। ये पूरे पूरे तीन चैप्टर आपको इस बुक को खरीद कर आपको पढ़ने हैं। ये बुक है अभिषेक प्रकाशन की, नैतिक शिक्षा की बुक है। खेल एवं शारीरिक शिक्षा आपकी बुक की स्टेशनरी शॉप पे आराम से मिल जाएगी। तो ये आपको ख़रीदनी है बच्चा। तो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर अरस्तु की बात चलती है। गीता अरस्तु, शरीर स्वस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा निवास करती है, अरस्तु का कहना था ये। गीता में सर्वधर्म पालन को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। वास्तव में केवल ज्ञान प्राप्त करने से कोई व्यक्ति तब तक सद्गुणी नहीं हो सकता जब तक वो अच्छी आदतें नहीं विकसित करता। केवल ज्ञान होने से अच्छी आदत नैतिकता होना आवश्यक नहीं है। यदि शुभ को समझते हुए कोई व्यक्ति कोई अशुभ कार्य करता है तो इसका अर्थ यह है कि उसके व्यक्तित्व का कोई अंग अभी अज्ञानी है। परंतु इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना मानव मनोविज्ञान के अज्ञान का परिचायक है। सोचने समझने की शक्ति के अतिरिक्त मानव का एक भावात्मक और संकल्पनात्मक पक्ष है। ये संकल्पनात्मक पक्ष मानव पक्ष के बौद्धिक पक्ष से संभवतः नियंत्रण नहीं होता, उसको यांत्रिक नियंत्रण करने की आदत डालनी पड़ती है। अच्छी आदत सद्गुणों से ही आती है। परिवार, समाज, राष्ट्र, विश्व के संदर्भ में नैतिकता के आधार पर ये बात कही जा सकती है कि सत्य, अहिंसा, प्रेम, ईमानदारी, चिंतन, संयम, सहिष्णुता, अपरोपकार आदि व्यवहार व्यवहारिक पक्ष निम्न है। सत्य की बात करें तो सत्य क्या है? सत्य का आचरण करने वाला व्यक्ति सच्चरित होकर महान बनता है। वह सत्य को अपने जीवन में सर्वप्रथम उद्देश्य मानता है। सत्य बोलने में वो तन मन धन और सब प्रकार से तैयार रहता है। सत्य का आचरण करके व्यक्ति देवत्व की श्रेणी को प्राप्त कर लेता है। अपने अच्छे कार्यों और आदर्शों से समाज में सभी का प्रिय बन जाता है। कबीरदास ने सत्य की व्याख्या करते हुए कहा है कि सांच बराबर तपनी, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। सच्चाई का शाब्दिक अर्थ है सत्य के स्वरूप या सत्यता। उपयुक्त श्लोक द्वारा बताया गया, सत्य के समान कोई तप नहीं है और झूठ के समान कोई पाप नहीं है। जिसके हृदय में सत्य का वास है उसी के हृदय में भी परमात्मा का भी वास करता है, परमात्मा निवास करते हैं। सच्चारण आचरण के कारण ही संसार में अनेक महापुरुषों ने अपना नाम स्वरक्षण में लिखवाया है। राजा दशरथ ने भी अपने सत्य वचनों का पालन करते हुए अपने प्राणों से भी अधिक प्यारे पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दिया था। उनके पुत्र के वियोग का क्षण भर सहन नहीं हो रहा था, किंतु अपने वचनों का पालन करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। रघुकुल रीत सदा चली आई, जहाँ प्राण जाए पर वचन न जाए। ओके बच्चों, अगर मैं ना भी पढ़ा पाऊँ आपको, क्योंकि टाइम कम है और टारगेट बढ़ा है, तो मैंने आपको बताया है, कई बार बताया, बार बार बताया कि आपको तीन चैप्टर तैयार करने हैं। वो तीन चैप्टर आपको पूरे तैयार करने हैं, क्योंकि चैप्टर के अंदर से क्वेश्चन आएंगे वो आपको करने हैं और एक्सरसाइज भी देखनी है। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।